दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इको पार्क है, इस इको पार्क के अंदर आपको ताजमहल भी देखने मिलेगा, चाइना का दीवार भी देखने मिलेगा। तो भाई इस वक्त टाइम देख सकते हैं, सुबह के 5 बज रहे और आज मैं इसको लेके जाऊंगा कोलकाता घुमाने। दोस्तों हमारे गांव से कोलकाता बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसके लिए मुझे बहुत ही सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। तो जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने बाइक को पार्किंग कर लिया है और मैं जा रहा हूँ अब बस पकड़ने। बस का टाइम हो गया है, 5:30 का बस है, तो मेरे हिसाब से यही है शायद कोलकाता का। आगे बोलते फिर आगे चलो। जैसे मुंबई में आज़ाद मैदान होता है ना, सेम वैसा कोलकाता का ये मैदान है और जस्ट उसके आगे ही विक्टोरिया मिलेगा आपको देखने। और हम आ गए कोलकाता स्प्लेंड बस स्टॉप, यहाँ से फिर हमें इको पार्क के लिए बस लेना पड़ेगा। तो हम कोलकाता स्प्लेंड बस स्टॉप से अभी इको पार्क के लिए 46B वाला बस पर हम जाएँगे। दोस्तों आप देख सकते ये जो मीनार देख रहे ना, इस मीनार का नाम है शहीद मीनार। और आप देख सकते हैं सामने 4 टावर लगा हुआ है, वही है ईडन गार्डन। और जस्ट हम आगे अभी जाएंगे और यहाँ से इको पार्क के लिए हमें टेपू सुल्तान मस्जिद बोलना होगा। दोस्तों कोलकाता जो है सपनों का सिटी है और कोलकाता शहर में एक व्लॉग में तो ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आज इको पार्क जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी और दिन आऊँगा, पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करूँगा। आप इस वक्त देख सकते हैं सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये अंग्रेज़ लोग ने बना के गए। और ये जस्ट आप देख सकते हैं जैसे कि मुंबई में जैसे अपना CST जिस तरह दिखता है ना, सेम उसी तरह ये भी सामने का फ्रंट एकदम उसी तरह दिखता है। ये रहा टेपू सुल्तान मस्जिद और यहीं से हमें इको पार्क के लिए मिल जाएगी बस। तो आप देख सकते हैं भाई सामने 46B यही है इको पार्क का बस। तो बस वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ा और यहाँ से हमें 1 किलोमीटर तक चलने को कहा कि 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको इको पार्क मिल जाएगा। और कोलकाता आप देख सकते हैं भाई सपनों का शहर, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो इको पार्क है, इस इको पार्क के अंदर आपको ताजमहल भी देखने मिलेगा, चाइना का दीवार भी देखने मिलेगा। विश्व बांग्ला सरनी के जस्ट पीछे ही है इको पार्क। जैसे कि भाई फाइनली मैं इको पार्क में आ गया और इको पार्क अभी शायद खुला नहीं है, 12:30 बजे खुलेगा। तो ये रहा इको पार्क का टिकट काउंटर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे टू सैटरडे फ्रॉम 12 noon to 7:30 PM एंड संडे एंड हॉलीडे फ्रॉम 11 AM to 7:30 PM, मंडे क्लोज्ड रहता है। और मैं हर बार की तरह जल्दी आ जाता हूँ हर जगह, तो मैं इस वक्त बहुत जल्दी आ चुका हूँ। तब तक मैं आपको साइट सीन करवा देता हूँ इको पार्क का। भाई भाई फोटो हो जाओ, फोटो फोटो अभी। यहाँ पे बाजू में रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट है मिस्ट्री हब, काफ़ी अच्छा है, तो यहीं पे बैठ के कुछ देखते खाते हैं। तो इको पार्क के बाजू में जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने बहुत मस्त मस्त है, आपको बंगाल के सारे मिठाई मिल जाएंगे यहाँ पे। तो टिकट काउंटर खुलने में भी टाइम है, तो मैं सोच रहा थोड़ा छाँव में बैठ जाते यहाँ पे। दोस्तों जो भी इको पार्क आएगा ना, वो एक चीज़ का ध्यान रखे कि पब्लिक हॉलीडेज़ यानी कोई भी फेस्टिवल के टाइम पर ना आए, क्योंकि बंद रहता है, नहीं तो थोड़े लेट में ओपन होता है।
तो मैं आज होली के दिन में आया हूँ, तो होली के दिन थोड़ा लेट ओपन हो रहा है। जहाँ 12 बजे ओपन होता है इको पार्क, वो ओपन हो रहा है 2 बजे। और आप सामने देख सकते हैं वो रहा ताजमहल। मैं रोड के इस साइड हूँ, लेकिन इको पार्क के अंदर जाके मैं दिखाऊंगा। बड़े बेसब्री के बाद लास्ट में टिकट मिल गया है। वैसे दोस्तों, कोलकाता का जो इको पार्क है वो बहुत बड़ा है, और मुझे यहाँ से घर पे भी जाना है, तो पूरा पार्क मैं कवर नहीं करूँगा। तो मैं 7 वेंडर्स जो है, जहाँ पे ताजमहल वगैरह है, वो मैं दिखाऊँगा। और मैं होली के टाइम पे आया हूँ, तो पूरा पार्क खाली है, देख सकते हैं कोई नहीं है। दोस्तों, इको पार्क में आपको 30 रुपया देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेन चलता है, उसके बाद शिफ्ट भी चलती है, बोट चलता है, तो उसके लिए आपको अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। तो वो सारे के सारे प्राइसेस हैं ना, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक है जो 7 वेंडर्स सामने, वो सबसे पहले मैं कवर करूँगा। और ये रहा कोलकाता इको पार्क का टॉय ट्रेन, जो कि कोयले से चलता है। और ये स्टेशन का नाम भी आप देख सकते हैं, घूम। स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये सिर्फ बच्चों का था, ये बच्चों का पार्क उतना ख़ास नहीं लग रहा है, रात के टाइम पे ये ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पे है 7 वंडर टिकट काउंटर। 3 टिकट दीजिए, 3 3 कितना? इतना बड़ा पार्क है, और ये लोग देखो भाई, चेंज नहीं रखे हैं। मुझे चेंज लेके आना पड़ रहा है, फिर जाके ये लोग टिकट दे रहे हैं। मतलब इन लोग का जो मतलब व्यवहार है ना, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत गंदा व्यवहार है। तो ये 7 वंडर्स का टिकट आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 30-30 रुपया लिया गया है, 3 बंदे का 90 रुपया लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनका मतलब बात करने का तरीका सही नहीं है यार, क्या बोलूँ। तीन जन है, ठीक है जी। जैसे कि भाई 7 वंडर्स का आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले गेट के अंदर घुसने से पहले ही मुझे मिसर का पिरामिड दिख रहा है। मैं मिसर आ गया हूँ अभी। वो डरा घुन रहा, डरा हाथ देना। ये एक पिरामिड है, 2 पिरामिड, 3 पिरामिड। तो फिलहाल मैं अभी मिस्र में घूम रहा हूँ, फिर मिस्र के बाद मैं डायरेक्ट अभी चले जाऊँगा। देखते रहो व्लॉग में, मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ अभी। मतलब 30 रुपया दे के पैसा वसूल ही हो रहा है एक हिसाब से। और ये रहा, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्र में देखा गया है। क्या नाम है इसका, आप कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, हम अभी पिरामिड के अंदर जा रहे हैं। मामा में बाप रे बाप, साल गरम तो। और ये देखो भाई, यहाँ पे मम्मी रखा हुआ है। ये पिरामिड के अंदर मम्मी रखा हुआ है। मम्मी, मम्मी जी, हेलो। और जस्ट भाई, मैं पिरामिड से निकलता हूँ ना, तो मैं मिस्र से डायरेक्ट दिल्ली पहुँच जाता हूँ। और सामने है ताजमहल, ताजमहल में भी जाएंगे, पहले ये मिस्र कंप्लीट कर लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं, पिरामिड के बारे में लिखा हुआ है। हमें पढ़ने की आदत नहीं है, बस घूमने की आदत है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सामने है पेत्रा जॉर्डन। ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि पेत्रा जॉर्डन होता है क्या। द
द एंशेंट सिटी ऑफ पेत्रा जॉर्डन इज लोकेटेड इन ए रिमोट वैली। चलते इसके अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पहाड़ का गुफा जैसे केव होता है ना उस तरह लग रहा है। ये अपना केव जैसा दिख रहा है, केव। ये भी एक चीज़ है देखने वाली। ये सब जो है इनका नाम मुझे नहीं पता है, सॉरी दोस्तों मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट्स करके बताना कि भाई ये सब क्या है। ये सब मैंने देखा है लेकिन नाम नहीं याद है, ये क्या है और ये क्या है, ये कोई देश में, कौन से देश में है मुझे पता नहीं। तो ये है भाई क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू सामने। चलते हैं दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा है, मस्त है। मतलब यार इको पार्क के अंदर आपको 30 रुपए के अंदर सब कुछ देखने को मिल जा रहा है। मतलब गल्फ कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, 30 रुपया देके आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। ये रहा। तो 7 वेंडर्स में से फर्स्ट वेंडर प्रामिट था, दूसरा उसका नाम नहीं पता, तीसरा ये है स्टैचू, और चौथा हमारा होगा वहाँ ताजमहल। तो 7 वेंडर में से ये हमारा 5th वेंडर्स है। ये देख सकते हैं इसका नाम है मोआई, मोआई आर स्टोन स्टैचू ऑन एस्टर इज आइसलैंड। इच मोआई इज मेड आउट ऑफ ऑन लार्ज स्टोन बट सम हैव एन एक्स्ट्रा स्टोन ऑन टॉप। ये मेरे को पढ़ने का पूरा नहीं, आप समझ जाओ खुद। ये रहा इसका मतलब। ये सारे के सारे स्टैचू जो है प्लास्टिक के है। लेकिन रियल में देखने में ऐसा लग रहा है भाई एकदम रियल है यार, बनाने वाले ने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, बहुत ही मस्त कारीगर है यार जिसने बनाया है। कोलकाता इको पार्क जो है भाई, ये 7 वेंडर्स ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको ताजमहल देखने मिल जाता है, पिरामिड देखने मिल जाता है, उसके बाद क्राइस्ट स्टैचू देखने मिल जाता है, उसका मोआई का ये स्टैचू देखने मिल जाता है। पूरा एकदम आप देख सकते एकदम सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है कि मैं वही देश में आ गया हूँ जो ये सब देश में रहता है, समझ रहे। तो चलते हैं अभी ताजमहल पे। ये ताजमहल जिसने भी बनाया भाई उसको भी सैल्यूट है, एकदम पूरा रियल लग रहा है भाई। देखो आप देख सकते हैं पूरा रियल ताजमहल लग रहा है मेरे को देख के। एक मिनट। तो ये रहा भाई दिल्ली का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया है, और ये ताजमहल पता नहीं किसने बनाया है। अंदर जाने मिलेगा कि नहीं, मस्त डिज़ाइन है यार, वाह काफ़ी खूबसूरत बनाया है। जवाब नहीं यार, जवाब नहीं, बेहतरीन। और सामने ताजमहल के नीचे एक ग्रेव भी बनाया गया, मतलब कब्र भी बनाया गया है उसके तरह, जैसे कि ताजमहल के अंदर है शाहजहां के गर्लफ्रेंड मुमताज़ का कब्र जैसा है, उसके अंदर भी वैसा कब्र बनाया गया है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोलकाता आते हो तो ये इको पार्क ज़रूर विज़िट करना, मस्त है, पैसा वसूल है। तो दोस्तों दिल्ली का ताजमहल और कोलकाता का ताजमहल आपको कैसा लग रहा ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी आप देख सकते हैं भाई पूरा ताजमहल ही दिख रहा मेरे को। तो ताजमहल देखने के बाद हम जा रहे हैं अब चाइना। चाइना का जो दीवार दिख रहे ना, उस दीवार को हम आज पूरा कंप्लीट करने वाले, चाइना का दीवार में चढ़ने वाले अब। एक लो प्लास्टिक है और डिजाइन देख लाख चेक बोले 500।
चाइना का दीवार। और ये एक दीवार हमने एक साइड पे कंप्लीट कर लिया है, बीच में रेस्ट करने का घर आया है। और इस साइड से आप खिड़की भी देख सकते हैं, मज़ेदार खिड़की है यार। हो पूरा चाइना आप देख सकते हैं। ये चाइना नहीं है, दूसरा देश है यार। चाइना के यहाँ से दूसरा देश देखने को मिल रहा है। सामने देखो चाइना से ताजमहल भी देखने को मिल रहा। और चाइना का पूरा दीवार जो है हमने 5 मिनट में कंप्लीट करना है। चाइना वाले यार क्या दीवार बनाए यार तुम लोग ने, इतना छोटा दीवार बनाए, इतना तो हमारे घर का दीवार बड़ा है यार। और फाइनली ये रहा चाइना के दीवार का लास्ट गेट, और हमने कंप्लीट कर लिया 5 मिनट के अंदर चाइना का दीवार। ये लास्ट वाले पे जाने वाले, फिर इसके बाद हमारा 7 वंडर्स कंप्लीट हो जाता है। और सामने देख सकते सारे के सारे टिकटॉकर वहाँ पे मौजूद है ताजमहल के नीचे। दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं ये लास्ट बचा है 7 डोर्स का, ये लास्ट पॉइंट है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रोम में आपको पता है ना कोलोसियम, वो वही है। तो चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है। एंट्री जो है सामने से, एंट्री वहां से मारते हैं। कोलोसियम है ये, ये भी मस्त बना है यार, ये भी अच्छा लग रहा है। और मैं इस वक्त आ गया हूँ चाइना से डायरेक्ट रोम। क्या है यार निकल गए क्या इतना जल्दी? अच्छा यहाँ से भी घूम सकते। हाँ वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। अरे ये हुई ना बात यार। अच्छा आप देख सकते क्या, ये आप समझ रहे क्या, वो एक पिक्चर है ना हॉलीवुड में, और लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है लोग ऐसा बैठते थे और यहाँ पे जो है फाइट होती थी। और वो फाइट आप देखे होंगे पिक्चर में, जानलेवा वाली फ़ाइट होती है, दोनों को बीच में रखा जाता है और उसमें शेर भी रहता है। जैसे कि नीचे शेर भी रखा गया है, ये शेर वगैरह भी नीचे से ऐसे निकल के आएंगे और उस शख्स के साथ लड़ेंगे। और वो शख्स अगर शेर को मार देता है तो वो विनर, और नहीं मार पाता है तो वो शेर उसको खा लेता है। तो ये रहा रोम का कोलोसियम। हेलो हाय, क्या बोल रहा है ये बंदा, उंगली दिखा रहा है। चलो सही है। दोस्तों व्लॉग आपको कैसा लग रहा ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, या आपके लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो कोलकाता इको पार्क का 7 वंडर्स जो है हमने कंप्लीट कर लिया, अब देखते दूसरी जगह क्या है। हाँ कोलकाता का इको पार्क जो है बहुत ही बड़ा है, पूरा कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस साइड, क्या है देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो पार्क है ये कोलकाता के लोगों के लिए है, क्योंकि ये रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम जो है थोड़ा दूर से आए हुए हैं ना, तो हमें घर जाने का थोड़ा टेंशन रहता है, इसके वजह से हमें पूरा पार्क घूमने में प्रॉब्लम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस पार्क इस साइड है, इको कार्ट इस साइड है, टॉय ट्रेन भी इस साइड है, बोटिंग इस साइड है क्या। हाय और यहाँ पे कैंटीन में देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने एक पेटिस ले लिया है, 30-30 रुपये का पेटिस आया है, तो थोड़ा खा लेते। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे चीज़ यहाँ पे दिखेंगे, टॉय ट्रेन है, इसके बाद मास गार्डन, टी गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, चिल्ड्रंस पार्क टॉय, उसके बाद
रोज़ गार्डन, बोटिंग, बोटिंग भी साइड ही है। गेट नंबर 3। और ये रहा भाई इको पार्क का टॉय ट्रेन, और ये टॉय ट्रेन के अंदर एसी भी है। और ये ट्रेन के पहिए देखो, रिक्शा के पहिया लग रहा है, मस्त है। और यहाँ पे आप साइकिल भी चला सकते हैं, ये इको पार्क में आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हो। पूछते कितना है इसका फेयर। चलो तो दोस्तों, इको पार्क में बोटिंग भी है और साथ में साइकिल वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अब घर जाना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इको पार्क में शायद 4 या 5 गेट है, तो पूरा गेट घूमना मुश्किल लग रहा है। तो हम निकल रहे हैं यहीं से, और यहाँ से हमें घर जाने का कुछ 3-3.5 घंटा लगेगा, तो उस हिसाब से हमें निकलना है यहाँ से। और इस साइड का हमने 7 वुड वगैरह घूम लिया है। इस साइड आपको मिलता है बोटिंग का, वो बोटिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा। बाकी और कुछ नहीं है इको पार्क में। और इको पार्क में आप मतलब क्या, रात के टाइम पर अच्छा लगता है, और आज होली का दिन है, प्लस शब बारात है, जिसके वजह से पूरा पार्क खाली खाली लग रहा है, तो थोड़ा मूड ऑफ भी है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस आपके साथ आज यही व्लॉग शेयर करना था मुझे। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अच्छा व्लॉग लेके आएंगे फिर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।